बताइए मामा जी कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? मामा जी नहीं रहे। क्या? मामा जी मरने से पहले अपनी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम कर गए हैं। क्या? 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 25 करोड़ के मालिक? फरमान है क्या जी, इनके मरहूम मामा जो है ना, मरने से पहले 25 करोड़ की वसीयत इनके नाम छोड़ गए हैं और ये सारा पैसा एक हफ्ते में इन तक पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, विभू के दिमाग में तो वो जस्टिन मार्टिन है। कल तक जो आदमी साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं रखता था, आज वो जस्टिन मार्टिन खरीदने का सपने पाल रहा है। भाभी जी तो बड़ी गाड़ी में बैठकर राजकुमारी लगेंगी, लेकिन वो तो ड्राइवर ही लगेगा ना। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे गाड़ियों की बातें बाद में करूंगी, ठीक है? चल चल बाय। सॉरी तिवारी जी। इट्स ओके भाभी जी, इट्स ओके। अच्छा सुनिए, आपको विभू ने बताया कि हम अमीर हो गए? जी हाँ, वो पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पीट रहे हैं। ओहो, चाचा जी का फोन है, एक मिनट। हाँ सॉरी तिवारी जी। प्रणाम चाचा जी। अच्छा तो विभू ने बता दिया आपको कि हम अमीर हो गए? अरे ऐसे क्या बिल गेट्स बन गए हैं जो अमीरी की कव्वाली गा रहे हैं दुनिया भर में? हाँ चाचा जी, देखिए ना, अभी तो हम इस किराए के घर में रहते हैं, लेकिन अब तो ये घर हमें बहुत छोटा पड़ेगा। सोच रहे हैं कि कोई बंगलो ले लें। इसका मतलब है भाभी जी चली जाएंगी? चलिए चलिए, ओके प्रणाम चाचा जी, ओके। सॉरी तिवारी जी, देखिए ना हम अमीर क्या हो गए हैं, रिश्तेदारों के फोन पे फोन आए जा रहे हैं, वही रिश्तेदार जो हमको कब से भूल गए थे। जी भाभी जी, बस ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हम गरीब थे, लोग हमें पूछते ही नहीं थे, जैसे ही अमीर हुए तो। नहीं नहीं तिवारी जी, आप समझ नहीं रहे, यहाँ मामला करोड़ों का है, करोड़ों का। लोग तो सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। आज भाभी जी और हम में इतना फासला हो गया। खैर तिवारी जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, मेरा विभू अमीर हो गया है? अच्छा लग रहा है भाभी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तिवारी जी, आप कुछ अपसेट से लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, बस अपसेट हम इसलिए क्योंकि आप ये घर छोड़कर जा रही है। ओहो ये बात है। तो क्या हुआ तिवारी जी? देखिए ना, मैं जब बंगलो लूंगी तो आपको पूरा एड्रेस देके जाऊंगी, आप और अंगूरी जी जब दिल करा करे ना आ जाया करिए। लेकिन इस घर में क्या बुराई है भाभी जी? तिवारी जी एक्चुअली बुराई तो कोई नहीं है इस घर में, लेकिन छोटा है ना। तो भभूति जी को भेज दीजिए ना उस बंगले में, आप यही रह जाइए मेरे पास। तिवारी जी आप भी कैसी बच्चा जैसी बातें करते हैं, अरे विभू के बिना मैं क्या करूंगी? तो आपके बिना हम क्या करेंगे? तिवारी जी आपके होठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं नहीं भाभी जी, हमने कहा कि आपके बिना तो सब सुना सुना सा हो जाएगा ना। मैं तो सिर्फ ये दुआ करूंगी कि आप लोग भी हमारे जितने बहुत अमीर हो जाएं, और फिर हमारे बंगलो के ठीक सामने वाला बंगलो आप लोग खरीद लें और हम फिर से पड़ोसी हो जाएं। ओहो तिवारी जी सॉरी, हाँ एक फोन आ रहा है। ओहो मेरी करोड़पति फ्रेंड का फोन आ रहा है, मुझे उससे बहुत जरूरी डायमंड्स के बारे में बात करनी है। हाँ एक मिनट। हाँ करोड़पति, आई मीन पार्वती, हाँ सुन ना, मैं तुझसे क्या कह रही थी कि पैसे ने भाभी जी को कितना बदल दिया है, अभी अनीता मिश्रा की तरह नहीं, अनीता अंबानी की तरह बातें कर रही है। मिस्टर गुप्ता, एक होम थिएटर, बेस्ट ब्रांड का होम थिएटर, और एक ज्यादा बड़ा नहीं, एक 105 इंचेस का एलईडी टीवी, और फर्नीचर आई थिंक इटालियन वुड बी फाइन। देख क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, आई वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ओके? पैसे की चिंता मत कीजिए आप, ओके ऑलराइट। विभू सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, एक्सक्यूज मी, या मिस्टर पांडे, हाँ हाँ एक काम कीजिए, आप कानपुर की कबड्डी की टीम खरीद लीजिए। हाँ हाँ
नहीं नहीं, 1 करोड़ इज ओके, 1 करोड़ इज फाइन पांडे, 1 करोड़ इज जस्ट पीनट्स फॉर मी, नॉट इवन पीनट्स, ओके. आई सेड बाय इट, या श्योर. मैं कल कुछ एडवांस भेजा दूंगा आपको. ओके, थैंक यू. विभूत, तुम्हें क्या कर रहे हो भाई? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? तुम्हारे हाथ में पैसे आए नहीं है, तुम इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हो. कम ऑन स्वीटी, नहीं आए तो आ जाएंगे एक आध हफ्ते में यार. It's just matter of time, that's all. लेकिन विभु, कबड्डी टीम खरीदने की क्या जरूरत है? क्या लॉजिक है इसमें? Darling, ये स्टेटस सिंबल है. आजकल हर बड़े आदमी के पास, स्टार के पास एक टीम है. किसी के पास फुटबॉल टीम है, किसी के पास हॉकी टीम है. I thought कि मैं एक कबड्डी की टीम खरीद लेता हूँ. What's wrong in it? I can afford. विभु, हाथ में तुम पैसे तो आने दो बाबा. यार अनु, पहली बार रईस बना हूं यार. Come on, ना ब्रोक टॉक तो मत करो ना यार, प्लीज. अच्छा एक काम करो, अपने आंख बंद करो. Come on, come on, shut your eyes. Come on, come on, come on, come on, come on, shut your eyes. Oh, like that. आँख बंद करो. और नहा दो. All right. अब अपनी आँखें खोलो. Wow! Ruby और diamonds की ring. Yes. विभू, ये तो बहुत प्यारी है. Yes. लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाए? Come on, darling. It's just peanuts. ये 1.5 लाख रुपए की अंगूठी है. मैंने पांडे जी को बोला, पांडे जी, I need some money. तुमने 5 लाख दे दिए मुझे. अब पूछा भी नहीं कब वापस करोगे. Because he knows it कि हम लोग रिच लोग हैं, करोड़पति लोग हैं. पैसे तो मिल जाएंगे. तो तुमने उधार लिया फिर से? दे दूंगा यार, come on. I'm a rich man, okay? तुम ऐसे हाइपर रहती हो यार. कैसी लगी अंगूठी? बहुत प्यारी है. अच्छा सुनो ना, तुम जाकर नीचे से मेरे लिए हॉट चॉकलेट मिल्क ले आओ, तब तक मैं अपनी रिंग देखती हूँ. एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रही हैं कि मेरा स्टेटस बदल चुका है और मैं अब ये छोटे मोटे टटपुंजे काम नहीं करूंगा. तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? नौकर चाकर करेंगे और कौन करेगा. मैं कल ही कुछ 3-4 नौकर अपॉइंट कर लेता हूँ. अच्छा चलो ठीक है, 1 नौकर बहुत है, 3-4 की कोई जरूरत नहीं. कमऑन, एक आध नौकर तो मिडिल क्लास लोग रखते हैं यार. हम लोग रिच लोग हैं, वी आर रिच पीपल, ओके. मैं कम से कम 3 नौकर रखूंगा, एक तुम्हारे लिए पर्सनल, एक मेरे लिए पर्सनल और एक जनरल, राइट. और हम दूध नौकर के हाथ से ही पियेंगे. गुड नाइट एंड आवर स्वीट ड्रीम्स. पूरे कानपुर को खबर मिल गई है कि आई एम लोडेड. प्रेजेंटेशन बना लो. हेलो सासू माँ. बहू, अरे तुझे कैसे पता चला मैं बोल रही हूँ? सासू माँ, वो क्या है ना कि आजकल आपका फोन आता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप ही का फोन आया है. अच्छा बहू, यूं तो बता, तुझे अंदाजा कैसे हो जाता है कि मैं ही फोन कर रही हूँ? एक्चुअली जब भी मैं कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम करने बैठती हूँ तो आप ही का फोन आता है. एरी, तू कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रही है घर में? हाँ, तू ओबामा की सेक्रेटरी हो रखी है जो इम्पोर्टेंट काम कर रही है? सारा काम तो मेरा खचेड़ू करता है घर का, चूल्हा चौका बर्तन हाँ झाड़ू पोछा. हाँ, तू तो बस सज धज के बिस्तर पे बैठ जा रहे हो, उसे ऑर्डर देती हूँ यहाँ. अरे तू बकवास छोड़, मेरी बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ. पता है बहू, मैंने ना सुबह सुबह सपना देखा और सुबह का सपना सच होता है. मैंने सपने में पता क्या देखा? कि मेरा खचेड़ू करोड़पति है क्या है. सासू माँ को अगर मैंने बता दिया कि विभू करोड़पति बनने वाला है तो सारी दौलत दोनों हाथों से लुटवा देंगी. अरे करोड़पति है क्या ना मेरा खचेड़ू? अरे नहीं नहीं सासू माँ, कहाँ विभू और करोड़पति, विभू तो सिर्फ मेरा ही पति है. इसीलिए करोड़पति ना हो सकता, वो तेरा पति है. जी जी भी कुछ ना, सुन मेरी बात करवा खचेड़ू से. विभू घर पे नहीं है, बाहर गए. हाय दैया, जब भी मैं फोन करूँ बाहर रहता है, तू कहाँ भेज देती हूँ उसे? अब सासू माँ ये बात आप उनसे पूछिए ना कि वो इतना बाहर क्यों रहते हैं. हाँ ठीक है मैं पूछ लूंगी, लेकिन मेरी बात करवाएगी तब पूछूंगी ना मैं बहू. चल उसे फोन दे. ठीक है सासू माँ, जब आएंगे ना तो सबसे पहले आप ही की बात कराऊंगी. ठीक है. अच्छा सुन. हाँ बोलिए. वो बाय टाटा कभी सुधरेंगी नहीं है, बच्ची रहेंगी. इस बार फोन मैंने काटा है. सासू माँ उसकी.
वैसे देखा जाए जहां तक सपने का सवाल है ना, मेरी नानी कहती थी सुबह के सपने सच होते हैं। मेरा खचेड़ू करोड़पति बनेगा और मैं करोड़पति की मॉम। भाई ये लीजिए, और सब घर में ठीक ठाक है? झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो भाई, सबको मिलेगा। हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा भाई। सब वो एक एक्स्ट्रा टी शर्ट और कंबल दे दो सब, बहुत गरीब है हम लोग। भाई देखो, तुम्हें टी शर्ट और कंबल की जरूरत ही, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है, काय काम बिगाड़ रहो। भैया जी, हमारे कपड़ों में मत जाओ, अंदर से ना बहुत गरीब आदमी आ रहे। यू देखो टीका की शकल, इसने ना बहुत दिनों से कुछ ना खाए हो। हाँ, सूख के छुआरो हो एकदम टीका। चलो दे दो ना, दे दो। चलो छुट्टी दे दो, दे दो। चलो एक्सेलेंट, जाओ। क्या एक डब्बा और दे दो। ठहर जाओ। आ, हम दे रहे। सारे फोकटिया। तोरे हाथ पांव कट गए हैं का? क्या अंधो है जो गरीब बन रहा है? साले दिन भर मोहल्ला में आवारा गर्दी करते फिरते हो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के हैं? आओ हम दें। ये ले। भाग यहाँ से, भाग। चल टीको, छेद दो को, चल। चलना। अरे घूरे मत ना, गरीबी की आड़ में बस फ्री को घी पीबो चाहते हो, सांप को परेशान कर रहे हो। नमस्ते गोरी मैम। ठहर जाओ। पीछे के नमस्ते गोरी मैम। नमस्ते अप्पू सिंह जी, कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया है हम तो। गोरी मैम, हम तो जो कह रहे थे कि अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़े तो हमें बता दियो, हम खुद ही तैनात हो जाएंगे। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर याद करूंगी आपको। अप्पू सिंह जी, ये आपके लिए। अरे साहब, जाको हम क्या करेंगे, हमें तो ऐसा लग रहा होगा कि जाको पहनेंगे तो जो हमारे पेट ही में फंस के रह जाएगी। और वैसे भी गोरी मैम, हम तो 24 घंटा वर्दी में रहते हैं। हाँ। हमें जागी का जरूरत है। और अगर आपको बहुत ही मन कर रहा हो है तो तना गोरी मैम पे निछावर करके कछु कैश दे दो। अच्छा चलो दे दो ना, आज अच्छा मौका है, दे दो ना। कौन यार, तुम भी ना आते खराब कर रही हैं लोगों से। चलो चलो कितने हैं? अरे साहब जा, मैं कहोगो आपको तो पता ही है, घर में 9 ठगिया बच्चा है, प्रेग्नेंट बीबी है, और भगवान कसम कह रहे स्कूटर में एक बूंद तेल नहीं है। तनक आप बोलो ना। चलो ना बीबू, प्रेग्नेंट बीवी है, दे दो ना। इसकी बीवी तो आज सालों से प्रेग्नेंट है यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गोरी मैम को दिल बहुत बड़ो है। अरे दादा, कहाँ मर गए जी सब? अप्पू जी, किसी ने कहा है ना कि कौए को घी हजम नहीं होता, तो इन महाशय का भी यही हाल है। इतना डिंडोरा पीटा अपनी अमीरी का कि साले कान दुख गए। भाई तिवारी जी, आपके लिए एक शर्ट टी शर्ट निकाली, यही रख लीजिए, ये लीजिए। हम भिखारी नहीं है, खैरात में चीजें नहीं लेते, समझे? तुम क्या कर रहे हो, इतना घमंड भी ठीक नहीं है, पड़ोसी है हमारे, कैसा लगेगा उनको? Like it, Vibhu. Very upset with you. अरे अब हम रिच हैं तो रिच हैं, खाना ही पेट।
बड़े पैसे के दम पर उछल रहे हैं। अरे हमारे भी बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो इनके रिश्तेदारों से कम 10 गुना ज्यादा अमीर है। हम भी दिखाते हैं ना उनको अभी कि हम कितने अमीर हैं। किसको फोन लगाए? अरे हाँ, धनबाद वाले मौसा जी, उनके बहुत सारे कारखाने बहुत अमीर हैं। बहुत दिनों से उनकी खबर नहीं ली, क्या पता लुढ़क लिए हो, हमसे बहुत प्यार करते थे, क्या पता सारी जायदाद हमारे का नाम कर गए हो। हाँ मौसा जी, अरे तो जिंदा है। हाँ मौसा जी, कैसन बा? हाँ जिंदा है? अरे नहीं मम्मा, मौसा जी देखिए, ये 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 वाली गाली मत दीजिए। अरे हमने तो बस आपकी तबीयत पूछनी चाही। कैसे? अच्छा तंदुरुस्त है? मतलब 10-20 साल तक लुढ़कने का कोई चांस नहीं है जी। अरे हम तो भगवान से बस यही दुआ करेंगे कि आप जल्दी सिधारें। मतलब हाँ हाँ, हमारे घर पधारे जी। जी नमस्ते। ओहो, ये तो 80 साल की उम्र में भी हट्टा कट्टा घूम रहा है, इसे फोन करें। हाँ पूर्णिया वाले फूफा जी, वो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, हो सकता है शायद लुढ़क लिए हो। बुआ जी को फोन करके देखते हैं। हेलो बुआ जी, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। कैसन बा? आपका मन्नू। हाँ, और फूफा जी कैसन बा, जिंदा है अभी तक? नहीं नहीं, मतलब हमारा कहने का मतलब बीमार चल रहे थे ना काफी दिन से, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। हैं, अमेरिका जाके नया हार्ट डलवा लिया है? अच्छा चलिए ठीक है, कुछ तबीयत वबीयत खराब हो तो हमें बता दीजिएगा। नहीं मतलब ऐसे ही बस इत्तला दे दीजिएगा, फिक्र लगी रहती है ना इसलिए पूछा जी। धन्यवाद बुआ जी। ये भगवान को भी ना डॉक्टरों के ऊपर केस कर देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देते हैं। अब ऊपर भला किसी को बुला रहा है तो क्या जरूरत है उसमें नया दिल घुसड़ने की। नेक्स्ट। आला टीका, बैठ जा। शट अप। यहां तुम लोग जॉब के लिए आए हो, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए हो। सराम, इज्जत मिल रही, बैठ जा। तुम्हारा नाम क्या है? टीकाराम वल भीकाराम ढेमर। इससे पहले क्या किया तुमने? कछु ना कियो। क्या क्या कर लेते हो? खाने पीने, नित्य क्रिया करने और फालतू की बकवास करने के अलावा कुछ ना कियो। आई लाइक दिस एटीट्यूड। तुमने जो कुछ बोला सच बोला। लोग नौकरी पाने के लिए झूठ बोलते हैं लेकिन तुमने सच बोला एंड आई लाइक दिस एटीट्यूड। एनीवे, तुम क्या कर सकते हो? मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। तुम किचन संभालोगे, यू आर द शेफ। और सुनो, हमारे अंग्रेजी खाने बनते हैं तो किचन में किताब रखी है रेसिपीज की, वो पढ़ो समझो और वो खाने बनाओ। ये छिछोरे कपड़े उतारो और हमारे किचन में शेफ की यूनिफॉर्म रखी वो पहनो। बिकॉज वी मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉर आवर सर्वेंट्स। यू गॉट इट? थैंक यू सर। तुम्हारा नाम? भैया जी मोको नाम है मलखान वल्द घमंडी लाल खदेड़े। तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काम चोरों का एक पूरा मोहल्ला उजड़ा होगा तो तुम पैदा हुए हो। भैया जी बिल्कुल सही कही आपने। सॉरी साहब जी। सर कहने की आदत डाल लो तुम दोनों। सर। गुड। सर वैसे मोको एक सपनों है। क्या सपनों है? आई मीन क्या सपना है तुम्हारा? सर मैं ना वेटर बनना चाहता हूँ। तुम्हें ऑर्डर लेना आता है? सर बिल्कुल आता है। ठीक है तो मैं काम करूं, तुम वेटर बन जाओ और ये छिछोरे कपड़े उतारो और ड्रेस पहन लो अपनी वेटर की। आउट। सर। सर आउट। चल टीका। लूजर्स। एनीवे नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर।
माय नेम इज अनोखेलाल सक्सेना सर, ये मेरा बायोडाटा है एंड माय वर्क एक्सपीरियंस। इसमें कितनी धूल है सर? ये धूल नहीं, मेरी मेहनत के फूल हैं सर, ये मेरा तजुर्बा है सर। सर मैं सिट या बैठिए। थैंक्स। वेल आई थिंक आई नो यू सर, जब आप गरीब थे तब से जानते हैं आप मुझे। आप तो इंग्लैंड गए थे ना? जी, वो प्लेन से लात मार के निकाल दिया मुझे सर। क्यों? वो एक बहुत ही खूबसूरत सी एयर होस्टेस को देख के मेरे मुंह से निकल गया आई लाइक इट। तो लेकिन इससे बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, उसके मन में पाप था सर। गलत मतलब निकाला उस लड़की ने। तुम तो कह रहे थे कि तुम करोड़पति हो, तुम्हारे पास बैंक में 1 करोड़ रुपया है। थे सर, 1 करोड़ रुपए थे, लेकिन वो बैंक वाले फ्रॉड निकले सर, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा मार के भाग गया सर। ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर आई हैव डन BA ऑनर्स इन हिंदी, MA इन इंग्लिश, MTech, MSc, MCS, MEd, LLB एंड PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड MBA फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ओह, वेरी वेरी इंप्रेसिव रिज्यूमे यू हैव। I'm really impressed. I have a high profile job for you. एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है। मैं आपको महीने के 10,000 रुपए दूंगा। 20,000 रुपए? 30,000? No, sir. I need 440 volt, 10 shocks every day minimum, sir.